सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील क्षेत्र के बिस्कोहर में आज दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और राजकीय डिग्री कॉलेज का शिलान्यास और 12 अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी को प्रमाण पत्र और चेक दिया। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, सांसद जगदम्बिका पाल सहित विधायक अमर सिंह चौधरी, श्याम धनी राही, राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ जिले के बिस्कोहर में आज पहुंचे और 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया, साथ ही 12 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने यूपी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते हुए कहा, यहां पहले के विधायक विकास का कार्य तो नहीं करते थे बल्कि सरकारी आवास पर कब्जा होकर उसमें रहने लगते थे। इस अवसर पर वैसी शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, सांसद डुमरियागढ़ जगदम्बिका पाल सहित हजारों लोग मौजूद रहे। अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाने का परिणाम क्या होता है, ये आज आपको एहसास हो रहा होगा और ये एहसास इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में आपके यहां से चुन करके जाता है और सरकारी भवनों पर कब्जा करके अपना रियायती मकान बना लेता है। एक समय इसी इटवा क्षेत्र में यह कार्य होता था और एक अब है जब 2017 में आप सबने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, सबकी अपील पर डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी को अपना विधायक चुन करके भेजा और वे विधायक बने। उन्होंने विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को यहां लाना प्रारंभ किया और इटवा विधानसभा क्षेत्र का पहला डिग्री कॉलेज का शिलान्यास का कार्यक्रम आज उसका परिणाम है, दर्जनों सड़कों का निर्माण उसका परिणाम है, आईटीआई और अन्य संस्थानों की स्थापना उसका परिणाम है और मंच पर उपस्थित हमारे सभी विधायकों और माननीय सांसद की मेहनत का परिणाम है कि आपके सिद्धार्थनगर जनपद को मेडिकल कॉलेज भी प्राप्त होता है। कोई सोचता भी नहीं था कि सिद्धार्थनगर जनपद में कभी मेडिकल कॉलेज बनेगा, नाम भी नहीं था।